आप सभी को नमस्कार। कैसी है आप? अच्छी है ना? आज हम यहाँ पर सिंपल सी पर्ल राखी बनाएंगे आसान तरीके से। यहाँ पे ये मैंने लिए है रेड कलर के मोती है, ये वाइट मोती है, ये वुलन थ्रेड लिया है, ये नायलॉन का थ्रेड है और यहाँ पे ये 2 सुइया यूज की है। यहाँ पे मैंने 70 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया है। इस तरह से इसको इस तरह डबल करेंगे और ये देखिए ये जो यहाँ का सेंटर है इसमें हमें एक छोटा सा धागा लगा लेना है। ये इस तरह से देखिए ऐसे भी यहाँ पे इसके ऊपर हमें इस तरह से टेप लगा लेना है। इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे, धागे के ऊपर स्टिक करना है। ये नायलॉन थ्रेड को स्टिक नहीं करना है हमें। यहाँ पे हमें दोनों एंड में सुइया लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे भी लगा लेंगे, देखिए इस तरह दोनों धागों में सुई लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो हमने छोटी साइज का व्हाइट पर लगाया है इसको लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी हमें ये जो लेफ्ट साइड की सुई है इसमें ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का जो मोती है इसको पहले लगाना है और आगे में ये वाइट मोती लगाएंगे इस तरह से। देखिए पहले ये रेड है, फिर से ये आगे वाइट लगाएंगे। अभी ये जो राइट सुई है इसमें हमें पहले ये वाइट कलर का मोती लगाना है और फिर ये रेड लगाना है इस तरह से। देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट में पहले हमने रेड लगाया है और वाइट, और यहाँ पे ये वाइट और ये रेड लगाया है। इसी तरह आगे में लगाते जाएंगे। यहाँ पे आगे में हमें छोटी साइज़ का वाइट पर्ल लगाना है और ये वाइट पर्ल में से देखिए जो दूसरी सुई है इसको क्रॉस में निकाल लेना है। देखिए इस तरह, इस तरह से। में हमें लेफ़्ट साइड की सुई में पहले रेड और फिर वाइट मोती लगाना है। उसी तरह से ये राइट की सुई में पहले वाइट मोती और आगे में रेड मोती लगाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ये लेफ़्ट की सुई में एक छोटी साइज़ का वाइट मोती लेके उसी में से ये दूसरी सुई को क्रॉस निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह, इस तरह से। फिर से ये लेफ्ट की सुई पहले रेड और फिर आगे में वाइट मोती लगाएंगे और राइट की सुई में फिर से पहले हमें वाइट मोती लगाना है और आगे में ये रेड लगा लेना है इस तरह से। यहाँ लेफ्ट की सुई में एक वाइट मोती लेंगे और ये राइट की सुई इसमें से क्रॉस निकाल लेंगे। देखिए इस तरह। इस तरह से इसको लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ पे एक रेड और वाइट लेफ्ट में और ये वाइट और रेड अल्टरनेट इस तरह राइट में, इस तरह से। आगे में एक वाइट मोती लेके ये दूसरी सुई को इसमें से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। ये ऐसे इस तरह बनते जाएगा। आगे में इसी तरह हमें बनाते जाना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स ये रेड कलर के मोती लिए हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बना लिया है। आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह नीचे की साइड में ये देखिए यहाँ से सुई को निकाल लेंगे, नीचे की ओर से लेफ्ट राइट की सुई को निकालेंगे। अभी ये जो लेफ्ट की सुई है इसको भी देखिए इस तरह से नीचे की साइड में निकाल लेना है। देखिए जहाँ पे हमने ये लेफ्ट की सुई निकाली है वहाँ तक इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें दोनों सुइयों में नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह से 2 बार टाइट नॉट लगा लेंगे। ये इस तरफ अभी यहाँ पे फिर से ये जो सुई है इसको नीचे की तरफ लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ से नीचे के मोती 1-2 मोतियों से निकालेंगे और यहाँ पे हमें 2 बार टाइट नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह से पूरा टाइट नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे आगे के 2 से 3 मोतियों से निकाल के यहाँ पे भी हमें 2 बार टाइट नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह बना के यहाँ पे आगे से 2 से 3 मोतियों से सुई को निकाल के यहाँ पे धागा कट करेंगे। इस तरह से इसी तरह से दूसरी सुई में भी नॉट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में 1-2 मोतियों से निकालेंगे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। पूरा टाइट नॉट लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से आगे में भी 1-2 बार टाइट नॉट लगा लेंगे और आगे के 2 मोतियों से निकाल के यहाँ पे धागे को कट करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे जो यहाँ ये धागा लगाया है इसको निकालेंगे। देखिए इस तरह ये बन जाएगा। अभी हमें ये वूलन थ्रेड लेना है और इसको इस तरह डबल करना है इस तरह से। और ये देखिए ये जो एंड के मोती है इसमें जो गैप है यहाँ से ये धागे को निकालेंगे इस तरह से। और ये जो 2 मोती है वाइट इसकी सेंटर में से इसको इस तरह नॉट लगाएंगे। यहाँ पे भी लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी सिंपल सी ब्रेसलेट राखी बन गई है। ये राखी है इसमें मैंने सभी वाइट कलर के मोती यूज़ किए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिंपल पर्ल राखी बन गई है। कैसे लग रही है आपको ये राखी? सिंपल एंड इजी पर्ल ब्रेसलेट राखी।